फ्रेंड्स, आज आपके होस्ट फिर से हाजिर है आपके लिए एक नई रेसिपी लेके, मुगलाई गोभी। कॉलीफ्लावर की सब्जी तो आपने बहुत खाई होगी, बट एक बार आप मेरी बनाई हुई रेसिपी ट्राई करें तो आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक ऐसा टिप्स दूंगी कि अगर आपके पास काजू बादाम नहीं है तो भी आप मखनी ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी मुगलाई गोभी की रेसिपी। सबसे पहले हम गोभी लेंगे और उसको अच्छे से वॉश करके ऐसे टुकड़ों में, इतने बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। हमने रफली चॉप्ड अनियन लिया है और रफली चॉप्ड टोमेटो, आधी कटोरी मलाई, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ आधी कटोरी मैदा लिया है मैंने, मसाले में हल्दी पाउडर और तीखा लाल पाउडर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। हमने एक पैन गरम होने चढ़ाया है, 2 चम्मच के लगभग ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गरम हो गया है, इसमें हम रफली चॉप्ड अनियन डालेंगे। 1 मिनट चला के रफली चॉप्ड टमाटो ऐड करना है। जब तक प्याज और टमाटर हमारा सॉटे हो रहा है तब तक हम गोभी के पास आते हैं। गोभी में हम थोड़ा सा मैदा या कॉर्नफ्लोर, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसको थोड़ा सा डालिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालिए, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल के हमें पूरे में गोभी में सारा जो भी मसाला है सबको मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमारी गोभी रेडी हो गई है, अब इसे हमें डीप फ्राई करना है। प्याज भी हमारा सॉटे हो गया है, इसमें हम 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये हमारा प्याज टमाटर का मिक्सचर ठंडा हो रहा है। वापस से उसी पैन में हमने ऑयल गरम किया है, ऑयल हमारा गरम हो गया है, इसमें हम सारे अपने गोभी के को डीप फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमने सारे गोभी को डाला है और धीरे धीरे इसे हम फ्राई करेंगे। गोभी पक रही है, इसे मैंने ढक दिया था ताकि ये गोभी हमारा जल्दी से पक जाए। हमारा प्याज टमाटर भी बिल्कुल ठंडा हो गया है, अब इसे हमने एक मिक्सी के जार में रखा है इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने अपना टिप्स नहीं बताया, तो मेरा टिप्स यही है कि जब भी आपके पास काजू या किशमिश ना, बादाम ना हो और आपको मखनी ग्रेवी बनानी है, तो आप प्याज लहसुन और टमाटर को ऐसे ही सॉटे कर लें और जब आप उसको पीसने के लिए जाएँ तो उसमें आप 2-3 चम्मच मलाई की डाल दें। ये देखिए हमारी मखनी ग्रेवी रेडी है। हमारा गोभी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए हमने अपनी गोभी को एक प्लेट में निकाल दिया है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा था इसलिए हमने उसे निकाल दिया है। अब इस बचे हुए ऑयल में हम अपना पेस्ट डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी, रेड चिली पाउडर, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट नमक ऐड कर दें, मेरा फेवरेट कश्मीरी मिर्च पाउडर। हमारी ग्रेवी ऑयल छोड़ रही है, अभी हमें थोड़ा सा कसूरी मेथी बस क्रश करके डालना है। अब हम सारी तली हुई गोभी को इसमें डाल करके मिक्स कर लेंगे। ये हमारी गोभी बिल्कुल रेडी हो गई है, अब इसे बस हम सर्विंग बोल में निकालेंगे सर्विंग के लिए। इसे बस ताजे क्रीम से गार्निश करें। ये हमारा मुगलाई गोभी रेडी है। तो कैसी लगी आपको मेरी मुगलाई गोभी की रेसिपी? तो बस आप बनाइए, खाइए, खिलाइए और हाँ, कमेंट में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तब तक से फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।